बोतल लगा दो। नहीं भागी हो किसी रॉयल के साथ। अब इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। मैं झुठलाता हूं क्या आपने उसे रॉयल के साथ भागते हुए देखा? क्या मुर्तजिम ने उसे रॉयल के साथ पकड़ लिया? अफसोस तो इस बात का है कि किसी ने ना उसके आने की उम्मीद रखी और ना ही इंतजार। अरे कोई गैर करता तो समझ भी आता, आज तो मेरी अपनी थी भाभी बेगम जिसको मैंने हमेशा अपनी मां समझी। मुर्तजिम को अपना वारिस, आपके हर फैसले पर अपना सर झुकाया। लेकिन गलत था मैं। हाँ मैं मानता हूं मैं गलत, मैंने अपनी बेटी को किसी और को सौंप दिया। लेकिन आज सही तो अब भी नहीं है भाभी बेगम। आज आप उसका हक किसी और को सौंप रही हैं जबकि वो जिंदा है। बस एक ही दुआ है मेरी, जब तक उसका मुंह ना देखो मौत ना आए मुझे। अब मंगनी हो गई, अब तुम जाओ अंदर आराम करो। मां बेगम एक बात बताएं, जब आपको पता था कि है इतना पसंद करती है मुर्तजिम को, आपने उन दोनों की शादी क्यों नहीं कराई? क्योंकि मुझे हया बहू के रूप में पसंद नहीं थी। मेरी नजर शुरू से तुम पे थी। मुझे अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी लड़की चाहिए थी जैसी कि तुम। लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने मुझसे तुम्हें ये शनाख्त छीन ली ना। मालिक, आपकी हया बीवी से मंगनी हो गई है।
मतलब ये कि मीरा बीबी की वापसी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। आपने तो जिंदगी में आगे बढ़ने को तरजीह दी थी ना, तो फिर आप यहां क्यों आए हैं? मैं वो प्यासा हूं बख्तू, जिसकी प्यास मीरब को याद करके, उसके बारे में सोच के, उसे महसूस करके, उसके लिए रोकर पूछती है। कुछ समझे आप? वही मालिक, जो बात पहले आपने कही थी कि आपकी मोहब्बत मोहब्बत नहीं रही, इश्क बन गई। इश्क, इश्क करता वफा तो मिलती है बेवफाई, तुझ पे होगा कोई सितम तो दम तू जानेगी, चीरेगा दिल जब कोई गम तो तब तू मानेगी, शीशे की तरह करके दिखा दूंगा। मुर्तज़ा, सोए नहीं अभी तक? तो मैं किसका शोक सोने नहीं दे रहा। तुम्हारा? मैं कहा हूं नहीं तुम्हारे सामने? कहीं भी नहीं जा सकता, आज मैं भी भाग सकता सबसे, खुद से। सॉरी आई फॉरगॉट, मंगनी हो गई हमारी। कोई बात नहीं, अब तो याद आ गया ना। साथ खाना खाए? मैंने भी नहीं खाया हुआ, सोचा था तुम आओगे तो मिलकर खाएंगे। मेरे हिस्से का भी तुम ही खा लो। भूख नहीं है मुझे। चाहा है मैंने इस अंगूठी को, जब से माँ बेगम की उंगली में देखी
तब से उसे पाना चाहा, और इसके लिए मुझे मुत्तसिम चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा कर मीरब को चुना। मेरा मुत्तसिम तुमने मीरब की उंगली में सजा दिया। और अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो भी मुत्तसिम मेरा नहीं, आज भी मीरब है। ना होते हुए भी वो आ जाती है मेरी खुशी को तबाह करने, मेरे सुकून को आग लगाने। कभी जो तुमने मुझे पूरा खुश होने दिया हो, मीरब तुम जहां भी हो खुदा करे तुम्हें कोई खुशी नसीब ना हो। मुर्तसिम उठो बेटा, ये क्या तरीका है, आधा दिन चढ़ाया तुम अब तक सो रहे हो और फिर इस सुलिए में। मां रात को देर से आया था, काम था कुछ। ये सब क्या है, सारी रात बाहर रहते हो फिर सारा दिन पड़े सोते रहते हो, कब तक चलेगा ऐसे? ऐसा चल रहा है चलने दे। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। क्या हुआ है मुझे, ठीक तो लग रहा हूं? मुर्तसिम तुमने खुद कहा था कि तुम हया से शादी करोगे, और अगर अब फैसला कर ही लिया है तो तुम उसके साथ कुछ वक्त गुजारो, घूमो फिरो थोड़ा, ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। तो मैंने कब इनकार किया मां, चाहे कल ही कर दें। ऐसे कैसे शादी होगी, मंगनी के बाद तुम में कोई फर्क तो आया नहीं। मुझे मंगनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। खुश बात मंगनी की है मां, खुशी शर्त नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बात हमेशा खानदान इज्जत वकार की रही है। मेरी खुशी मेरा सुकून कभी कोई शर्त नहीं रही, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुझे छोड़ के चली गई। मुर्तसिम कहाँ है मां, फिर बात करेंगे। देखा मां बेगम, देखा आपने, ये सारा गुस्सा सिर्फ मीरब की वजह से है। अपने ख्याल से निकाल ही नहीं पा रहे ये मीरब को। जब भी मुर्तसिम के करीब आने की कोशिश करती हूँ मीरब आ जाती है हम दोनों के बीच। जब आपकी नहीं सुन रहा मेरी क्या सुनेगा, क्या देखेगा मेरी तरफ वो? इसका हल निकालना पड़ेगा। क्या हल? शादी। तुम्हारे और मुत्तसिम की शादी जल्द करना पड़ेगी। Thank you.
उसका काम खूबसूरत है, और वो वाला देखो ये भी अच्छा है, ये बिल्कुल एक्यूरेट रखेगा। मैं चाहती हूँ मेरा जोड़ा सबसे हसीन। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ बस वक्त पे दे दीजिएगा चीजें। ये ले जाओ, जाके अच्छी तरह टांग देना अलमारी में। चलो अल्लाह का शुक्र ये काम भी हुआ। अच्छा मैं कह रही थी कि इनमें से कोई जेवर भी ऐसा देख लूँ जो तुम्हारे जोड़े के साथ मैचिंग हो। माँ बेगम, जो मैंने जोड़ा सिलेक्ट किया है इनमें से कोई उसके साथ मैच नहीं कर रहा। हाँ लेकिन ये तो हमारा खानदानी जेवर है ना, इसकी तो अपनी अहमियत है। माँ बेगम, वो खानदानी जेवरात में से आपने कुछ जेवर मीरब को दिए थे, उनमें देख लूँ। शायद मेरे जोड़े के साथ कोई सेट मैच कर जाए। और वैसे भी ये तय है कि मीरब अब वापस नहीं आएगी। और वो जेवर आपने मीरब को मुर्तसिम की बीवी होने की हैसियत से दिए थे, तो वो मेरे हिस्से में आने चाहिए ना? नहीं, मीरब की अमानत है। मुर्तसिम, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जेवरात और कपड़े खराब हो रहे हैं। कह दिया ना, ये सब क्या है? हया की शादी के सिलसिले में हम डिजाइनर्स के कपड़े और ये सेवर वगैरह देख रहे हैं। मां साहब, ये शादी बहुत सादगी से होगी। जितने लोग मंगनी में थे उतने ही शादी में होंगे। जैसे मेरी शादी हो रही है, मेरे भी कुछ अरमान है। अगर शादी मेरे साथ करनी है तो ऐसे ही होगी। दस दिन है अभी भी, सोच लो। ये सब क्या है माँ बेगम? क्या मेरी जिंदगी में कभी सच्ची खुशी नहीं आएगी? तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, बस इतना याद रखो कि अगर इस छोटी सी बात का बतंगड़ तुमने बनाया तो मुर्तसिम शादी से भाग जाएगा, मुकर जाएगा वो। मुर्तसिम खान अपने बंदे खड़े किए थे ना हमारे घर के बाहर, वो कहाँ पे हैं? जी वो तो उसने हटा दिए। हटा दिए? कब हटाए उससे अपने बंदे? मेरा ख्याल है बीबी जी एक महीना हो गया। तो मीरब आई थी, तुमने उसे मेरा नंबर दिया? जी मीरब बीबी आई थी, मैंने आपको फोन पर बताया तो था, लेकिन उसके बाद मीरब बीबी आई नहीं। वैसे बीबी, अगर मीरब बीबी यहाँ वापस आते भी ना तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मुर्तसिम खान ने इतना सख्त पहरा बिठाया हुआ था। ठीक है। अच्छा बीबी, मैं आपके लिए चाय लाऊं या पानी? पानी ले। जी हेलो। हेलो।
सब आप। तुम्हें कुछ पता चला मीरब का है? कोई रब्ता हुआ उससे? तुम कौन हो? मैं मीरब की दोस्त हूँ। कुछ पता चला कहाँ है वो? नहीं, मैं भी मीरब के ही बारे में पूछने आई थी। इनफैक्ट मैं तो उसे घर भी गई थी उसकी फैमिली से मिलने, लेकिन वहां जाके पता लगा कि आंटी अनिला अमेरिका चली गई हैं। और अंकल वकास की डेथ हो गई थी जब मीरब घर छोड़कर चली गई थी। जी, आपकी दोस्त से तो इतना ना हुआ कि अपनी बाप की मौत पे आ जाती। लेकिन नहीं, उसे तो किसी से रابطہ ही नहीं रखना था। तो वो क्यों घर छोड़कर चली गई थी? उसे मुर्तसिम के साथ नहीं रहना था, इसलिए। तो वो कहाँ गई है? किसी रोहेल के साथ। उसी के साथ भागी थी, हमें यही पता। नहीं, वो रोहेल के साथ नहीं गई। रोहेल के साथ? मैं कुछ पता है कि रोहेल कहाँ है? हाँ, रोहेल तो दुबई में अपनी बहन के साथ है। जब तुमने अपने गार्ड्स मेरे घर के गेट पे भेजे थे और मीरब को ढूंढ रहे थे, तो मैंने भी रोहेल से कांटेक्ट किया था। और मुझे भी यही लग रहा था कि मीरब शायद रोहेल के साथ है, लेकिन वो उसके साथ नहीं थी। तुम यही कहना चाहती हो ना कि वो रोहेल के साथ है? चुप रहो। हो सकता है आपसे झूठ बोल रहा हो, कुछ छुपा रहा हो आपसे, और मीरब के साथ ही दुबई गया हो। नहीं नहीं, उसकी कजन मेरी दोस्त है, वो झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास उसकी शादी की पिक्चर्स भी हैं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। मैं भी इनवाइटेड थी, लेकिन मैं गई नहीं। वो मीरब कभी जा भी नहीं सकती उसके साथ, कभी नहीं भाग सकती, मैं जानती हूँ। वो तो कभी रोहिल में इंटरेस्टेड ही नहीं थी,
रोहेली उसके पीछे पड़ा हुआ था, मोहब्बत के दावे करता था, जबरदस्ती मिलता था। वो झूठा था, उसके दावे, उसकी दोस्ती सब झूठ था। बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत डेरिंग। मेरी बीवी हो के अपनी दोस्ती निभा रही हो। लेकिन इसे डेरिंग होना नहीं कहते, बेशर्मी कहते हैं। हमेशा की तरह मुझे गलत ही समझना तो अफसोस की बात है। बयान से चलो। तुम तो यही चाहते थे ना? बहुत अच्छा वक्त गुजारो हया के साथ। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? मीरब तो यहाँ नहीं है। आपके अब गार्ड्स हमारे गेट पे नहीं आते ना, तो मुझे लगा शायद मीरब मिल गई है। नहीं मिली। और अब अगर मिल भी जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी और मृत सिंह की शादी है इसी हफ्ते। मृत सिंह, तो तुम अब मीरब को नहीं ढूंढोगे? क्या मीरब नहीं मिलेगी? ढूंढा है ना 2 साल, और कितना ढूंढे? मुर्तसिम को भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मीरब के लिए अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं जाया कर सकता। अच्छा चलें, ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। जी खुदा हाफिज़। बताया है लोगों को, मालूम है कि वो किसी रोहेल के साथ भाग गई है। नहीं भागी है वो किसी रोहेल के साथ। बस कर दे, मेरी बेटी पर बोहतान लगा दा। नहीं भागी है वो किसी रोहेल के साथ। अब इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। मैं झुठलाता हूं। क्या आपने उसे रोहेल के साथ भागते हुए देखा? क्या मुर्तसिम ने उसे रोहेल के साथ पकड़ लिया? नहीं ना। अरे अफसोस तो इस बात का है कि किसी ने ना उसके आने की उम्मीद रखी और ना ही इंतजार। मीरब, मीसम कहाँ है? मैंने अंदर सुलाया। अच्छा, आप कहाँ जा रही? मेरी एक अजीज रिश्तेदार है ना, उनका इंतकाल हो गया है, वहाँ जा रही हूँ। खालिद बाहर खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह शाम तक वापस आ जाएंगे। जी ठीक है। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना
तो फर्रुख को फोन कर लेना, ठीक है बेटा? जी जी, आ जाओ, कुंडी लगा लो। जी उसका नाम लिख दीजिए, मीसा बेबी। जी 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 जी, आप मेरे साथ है, कुछ फॉर्मेलिटीज बन गए। क्या फॉर्मेलिटीज है? बिल्स एंड डिटेल्स। बिल बिल कितना बनेगा? 15,000। मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं बिल पे कर लूंगी, मुझे बता दे प्लीज। यहाँ पे साइन कर। मीरा, मीसम खान, क्या हुआ उसे? स्टिचेस लग रहे हैं, उसका बहुत खून बहा है।